हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिन स्टॉक्स, जहां हम करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड बातें और हमारे एसेट्स की मैनेजमेंट की बातें। तो आज हम लोग किसी स्टॉक की नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक जो है एसेट क्लास की बात करेंगे। जी हाँ, ये बहुत ही स्पेशल एसेट क्लास है जिसे हम लोग गोल्ड कहते हैं। एक मेटल है जिसमें बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न हमें मिलती है ईयर ऑन ईयर। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलता है। बट क्या हमें रियल मेटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी जो गवर्नमेंट का टेन्योर जो ट्रांचेज आया हुआ है, फर्स्ट ट्रांचेज 2021 का, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि हमारा है SGB सोवरेन गोल्ड बैंड। जी हाँ, इसका फर्स्ट ट्रांच आ चुका है जिसका हमें बहुत ही दिनों से इंतजार था। तो हम लोग थोड़ा सा बात डिस्कशन करेंगे SGB आखिर है क्या, आखिर हमें क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों हमें गोल्ड मेटल नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, अगर आपको ज्वेलरी के पर्पज से लेना है तो डेफिनेट सी बात है आपको मेटल गोल्ड ही लेना पड़ेगा। बट अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर हम रिटर्निटी की बात करें, पैसे की बात करें, एसेट मैनेजमेंट की बात करें, तो हमें एसेट क्लास यानी SGB वाले एसेट क्लास के साथ क्यों जाना चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम देखेंगे SGB क्या है, तो पहले लाइन में हमें देखने को मिल जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGB इन नवंबर 2015। यानी कि नवंबर 2015 में हमारी गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किया, बॉन्ड लाया मार्केट में, जिसको हम लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के नाम से जानने लगे। ये क्या है, ये एक डेट सिक्योरिटीज है। SGBs आर गोल्ड डेट सिक्योरिटीज डोमिनेटेड इन ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी जो इसके यूनिट होते हैं, वन यूनिट इक्वल्स टू वन यू इक्वल्स टू वन ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी ऐसा एक गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किया, एक बॉन्ड लाई, एक सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी लाई, ठीक है, इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में RBI इसे इशू कर सकती है, इसे कोई और इशू नहीं कर सकता। यानी ये SGB जो हमारा है, ये गवर्नमेंट से बैक बॉन्ड है। यानी रिस्क जो हमारा सिक्योरिटी रिस्क है रिटर्निटी से रिलेटेड, कि हम बेच पाएंगे या नहीं, हम कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल टेंशन जीरो नजर आता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें थोड़ा सा, तो दे आर डोमिनेटेड इन गोल्ड एंड पे अ फिक्स इंटरेस्ट ऑफ 2.5% टू देयर इन्वेस्टर्स। यानी ये लोग, ये जो डेट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट हमें बेचती है, वहां पे हमें आपको 2.5% का जो है इंटरेस्ट रेट भी देती है दिस, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे, हम अगर कंपैरिजन करना चाहें गोल्ड मेटल का और SGB का, हमें गोल्ड मेटल और SGB दोनों में से क्यों कौन लेना चाहिए और कौन से अवॉइड, क्यों रीजन क्या है, क्यों अवॉइड करना चाहिए किसी को भी, तो हम रीजन में अगर पहले में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्ड ज्वेलरी इज सब्जेक्ट टू अ 3% टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ मेटल। यानी जितने ग्राम का आपका गोल्ड है उतने पे आपको 3% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, एंड 5% टैक्स ऑन क्या है, अंडर GST मेकिंग चार्जेस यानी मेकिंग फीस। तो आपको 8% का यहाँ पे नियर अबाउट टैक्स देखने को मिल रहा है। अगर हम वहीं आगे अपना देखें यहाँ पे SGB के पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के सेक्टर में अगर आके देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन रिडम्पशन देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स। मतलब जब आप रिडीम कर रहे हो, जब आप बेच रहे हो SGB को, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। स्टार्टिंग में आपको लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन These bonds are, मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा बस सिर्फ उस पर टैक्स देना है। यानी जब आप इसको बेचोगे तब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ पे, आपको थोड़ा सा पेन का कलर यहाँ चेंज करके मैं दूसरे डायरेक्शन में ले जाऊं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो सच इंटरेस्ट। मतलब अगर आप गोल्ड को 100 साल भी रखोगे तो कोई भी गवर्नमेंट आपको टैक्स नहीं देगी। वहीं पे अगर आप SGB को होल्ड करते हो, इसके 8 ईयर की मैच्योरिटी पीरियड है, तो आप जितने दिन तक होल्ड कर गए उतने दिन तक गवर्नमेंट बॉन्ड, यहाँ पे देखो द गोल्ड बॉन्ड रेट इंटरेस्ट इज 2.5% इन अ फाइनेंशियल करेंटली। जो अभी के हिसाब से रेट है वो 2.5% का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग देगी, और द इंटरेस्ट पे आउट ट्वाइस अ ईयर ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको एक साल में 2 बार गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट आपको पे आउट करेगी, और पहला आपको 1.25% का इंटरेस्ट रेट होगा और सेकेंड पे आउट भी 1.25% के रेट से होगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या रिस्क हमें इन्वॉल्व है, कहाँ पे ज्यादा रिस्क है, कहाँ पे कम रिस्क है, उसकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड कैरीज रिस्क एसोसिएटेड विद होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। अगर आप फिजिकल गोल्ड को होल्ड करोगे तो वहां पे आपको जो है चोरी का डर या फिर लॉस हो जाने का, गोल्ड के लॉस हो जाने का आपको डर है। बट ऐसा कोई भी रिस्क
इस जो एसजीबी वहां पे एसोसिएटेड नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी रिस्क आपको यहाँ पे नहीं है इन्वॉल्व है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो जब भी आप एसजीबी लोगे मार्केट प्राइस से 50 रुपीज डिस्काउंट पे गवर्नमेंट आपको देती है, और सेल के टाइम आपको पूरा एकदम मतलब ऑन टू ऑन मार्केट रेट पे आप सेल कर सकते हो। आपको देख सकते हो करेंट गोल्ड रेट जो है 4777 चल रहा है, वही ये एवरेज होता है 3 दिनों का जब आरबीआई कॉल कैलकुलेट करती है, और यहाँ पे देख सकते हो 4727 चल रहा है, यानी आपको यहाँ पे 50 रुपीज का गैपिंग देखने को मिल सकता है। तो ये बेस्ट केस सिनारियो आपके लिए बन रहा है, बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे ये, आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा इस रेट में मिलेगा, लेकिन आप एक्चुअली में इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, 50 रुपीज कम उससे कर रहे हो और इंटरेस्ट इस रेट पे लोगे, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट केस सिनारियो यहाँ बन के आ रहा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, हाउ टू अप्लाई फॉर एसजीबी, एसजीबी की बाई कैसे करें यूजिंग एचडीएफसी नेट बैंकिंग। तो इसका वीडियो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, बिकॉज मैं एचडीएफसी के नेट बैंकिंग यूजर हूँ, तो मैं एचडीएफसी के नेट बैंकिंग से बाई करके दिखा दूंगा। अगर आपको जेरोदा से चाहिए तो जेरोदा से भी बता दूंगा, बट इसके अलावा मेरे पास कोई और नेट बैंकिंग नहीं, अगर कोई अवेलेबल होता है तो वहां पे फोन पे वगैरह से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर कोई किसी का स्पेशल क्वेश्चन होता है तो उस पर पिक करके मैं वीडियो बना दूंगा। अगर 25-30 लोग एक ही बैंक से किसी अदर बैंक से बोलोगे बाई करने के लिए, तो अभी मैं नेट बैंकिंग एचडीएफसी का डाल दूंगा थोड़ी देर बाद वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो, और ये एसजीबी क्लास में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या नहीं ये भी मुझे बता सकते हो, बिकॉज ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, बिना किसी रिस्क के आपको अच्छी खासी रिटर्निटी यहाँ पे मिल सकती है, और आपको होल्ड भी 8 ईयर तक करना है, उसके बाद +3 ईयर, मतलब आपको लगता है कि आपका रेट और होना चाहिए तो आप 3 मोर ईयर यानी 11 ईयर तक होल्ड कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका है, आप लोग इस मौके को ना गवाइए। बाय बाय, टेक केयर, सब आप।